बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ग्लास स्लैब की मदद से फाइंड करने लगे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने इसको रख के तो इसके गिर्द बाउंड्री लगानी है शार्प पेंसिल से। शार्प पेंसिल से हमने इसके गिर्द बाउंड्री ड्रा कर ली है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक नॉर्मल बनाते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी एक नॉर्मल बना लेते हैं। ये हमने नॉर्मल ड्रा कर लिया। तो इसके बाद हमने नॉर्मल से 35 डिग्री तकरीबन तक यहाँ पे एक रे ड्रा कर लेते हैं। 10, 20, 30 और ये 35 से पहले पहले और 30 से ज़्यादा और 35 से पहले पहले यहाँ पे हम एक इंसिडेंट रे ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इंसिडेंट एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस 34 डिग्री का था। तो अब उसके बाद हमने ये रखना है ग्लास स्लैब और इस लाइन के ऊपर जो इंसिडेंट रे है इसके ऊपर दो पिन्स हम लगा देते हैं। 5 सेंटीमीटर कम से कम 5 सेंटीमीटर का फासला इन दोनों के दरमियान होना चाहिए। दोबारा जहाँ पे हमने ग्लास स्लैब उठाया था वहीं पे हमने दोबारा ग्लास स्लैब फुट कर देना है। इसके बाद हमने इसको इस तरह रखना है और देखना है कि जो सामने वाली रेज सीधी आ रही थी, पिन जो सीधी आ रही हैं वो हमें सीधी एक ही लाइन में नज़र आनी चाहिए। ये पिनें हमने इस तरह लगाई हैं कि इस तरह लग रहा है कि जैसे वो दोनों भी पिछली चार की चारों पिनें इकट्ठी एक ही लाइन में होनी चाहिए। ये हमने ग्लास स्लैब के अंदर से देखना है। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे पिनें लगाई थी वहाँ पे आपने मार्क कर लेना है। और स्केल की मदद से यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। तो ये तो थी हमारे पास ऊपर वाली इंसिडेंट रे और नीचे वाली इमर्जेंट रे है, और ये इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है और
और ये इनके दरमियान में जो है ये है हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं प्रोटेक्टर की मदद से। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ हमारे पास है यहाँ पे इस नॉर्मल के साथ ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो अब ये भी हम प्रोटेक्टर की मदद से एंगल ऑफ इंसिडेंस 34 डिग्री था हमारे पास, अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्रोटेक्टर की मदद से हम फाइंड करेंगे। प्रोटेक्टर को हमने इस तरह रखना है कि ये यहाँ पे ज़ीरो और इससे आगे ये हमारे पास 21 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो इसका जो टेबल बनाएंगे हम, टेबल में हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करनी है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना है और फिर उन दोनों को साइन ऑफ आई ओवर साइन ऑफ आर कर देंगे, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल और साइन ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा इस ग्लास स्लैब का। इसके अंदर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मटीरियल रिक्वायर्ड में हमारे पास है प्रोटेक्टर है, ब्लैंक पेपर है, कार्डबोर्ड है, स्केल है, लेड पेंसिल है और हमारे पास ये ग्लास स्लैब है। थैंक यू।